ये लड्डू जो है कि हमारे साथ गैराज आ गया है। मॉर्निंग का टाइम है, दोनों ई रिक्शा हमारा गैराज में लगा हुआ है। चलिए गैराज को फटाफट बंद करते हैं और जल्दी से चलते हैं क्योंकि हम लोग को घाट जाना है। देखिए हम लोग यहाँ घर के पास आ गए गाड़ी लेके, क्योंकि लड्डू की मम्मी जो है कि पैदल ज्यादा नहीं चल पाती है, तो हम लोग घर के पास लेके आ गए हैं। ये देखिए मैं गाड़ी पे बैठ गया हूँ और लड्डू कैमरा जो है अपने हाथों में रखा हुआ है। अब लड्डू की मम्मा आएंगी और हम लोग इस गाड़ी पे बैठेंगे और सीधा जाएंगे छठ घाट। तो हम लोगों ने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा था कि भाई कौन सा घाट पे जाना है, तो जो इस घाट हमने सिलेक्ट करके रखा था, हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे काफी अच्छा से सजावट भी की जाती है और भीड़ भी काफी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों दूध मिल रहा है, फूल मिल रहा है, ताकि पापा जो रुके आप हमको भी बोल रहे दोस्तों यहाँ पर बैठे मेरा हमको मन नहीं लग रहा था क्यों मन नहीं लग रहा था? जब पापा हमको खिलौना बैलून नहीं दे रहे थे ना और छू रहे थे उसमें थोड़ा सा मन लग रहा था। और जब आप मेलून तो आज हमको नहीं ले देंगे और खिलौना भी पर आज हमका बैलून नहीं ले दिए और खिलौना भी नहीं ले दिए तो चटका से भी मैंने भरा हमको तो आप बैलून खरीद देते तो और जो हमको बैलून ये खिलौना लगा है ना, देखो ये सब बैलून सजा हुआ था ये और छठ। पापा हाँ रुकी हम बात हाँ तो हमको इसलिए नहीं मन लगा हम तो आपको अच्छाई के लिए तो 10 बार बोल रहे थे नहीं माने बहुत अरे भाई, तो ये जो बैलून सब लगा हुआ है ना, ये सब देखिए छठ घाट का भीड़ देखिए, जो डेकोरेशन होता है छठ घाट पे उस पे वो सब लगा रहता। तो अच्छा, साइड से बैलून बेचता है वो लोग, तो लड्डू के पास बहुत सारा बैलून है और लड्डू पहले से गंदी बात, तुम बहुत सारा पहले बैलून फोड़ चुके हो नहीं? देखिए नदी में कैसा फोग जम गया था। एक्चुअली ये नदी सुनरेखा नदी है, बट क्या होता है लोगों ने नदी को नाला बना दिया है, और जब हम इस और यहाँ देखिए पे गए पूरा फेन इतना फेन स्मेल है कर रहा था कि मैं मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और जितना संडास का। इतना फेन है कि सबका कुछ जवाब भी नहीं। देखिए छठ व्रती यहाँ पे फल वगैरह रखे हुए हैं, एकदम नदी में जो है कि पूरा नाला संडास का पानी था भाई साहब, और बहुत ही ज्यादा बदबू मार रहा था उस पर। मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बट मैं जैसे तैसे रहा। लेकिन अब क्या करेंगे, हर नदी का वही हाल हो चुका है। देखिए लड्डू यहाँ पे अपना जूता पहन रहा है, तो लोग जो है कहाँ जाएंगे, अब शुद्ध नदी को जाएंगे तो ऐसा शुद्ध पानी मिलने से रहा। लोग जो है नदी को नाला बना चुके हैं, लेकिन कोई भी इस मैटर को सीरियस नहीं लेता है। स्वर्णरेखा नदी छोटी मोटी नदी नहीं है, ये वो नदी है जिस नदी से तो हम सोना लोग भी निकलता नहीं था, लेते हैं सोना। स्वेटर हाँ ये देखिए यहाँ से ट्रेन गुजर रहा है, और मैंने नोटिस करा था कि ट्रेन की सारी बोगिया लगभग खाली थी। ये तो कैमरे में दूर दिख रहा था। अभी देखिए लड्डू यहाँ पे ये मिठाई करता है, तो लड्डू ये मिठाई खा रहा है, बोले चलो भाई मैं ले दूं। ये मिठाई भी बहुत महंगा हो गया है, 5 रुपए वाला मिठाई जो है कि 10 रुपए का हो गया है। तो भाई साहब हम बात कर रहे थे ट्रेन की, तो कैमरे में पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब मैं ध्यान से देख रहा था तो सारा बोगियां लगभग खाली था। भाई छठ पूजा का त्योहार है वहां पर, वह तो लोग सही में ट्रेवल नहीं करते हैं ना, लोग रुक जाते हैं। पापा हाँ इस जगह पे अब आए हैं ना कि हमको कुछ अच्छा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है गंदा चीज बोलने का मन कर रहा है अच्छा क्या, जब गंदा चीज बोलना ही नहीं चाहिए। पर हमको आप इस जगह में मन नहीं ना लग रहा था इससे लिए तुमको पटाखा चाहिए बलून चाहिए इसलिए मन नहीं लग रहा था है ना, पटाखा और बलून चाहिए था इसलिए मन नहीं लग रहा था ना। तो बलून तो तुम कितना सारा फोड़ चुके हो, पटाखा भी इस दिवाली में छोड़े ही छोड़े हो। बोले दिया वाला पटाखा उड़ता आसमान में उड़ते रहता है फिर कुछ देर में नीचे वो गिर जाता है बहुत ऊपर उसका पाइप में माचिस लेता है वो माचिस तो चलता हम लोग है यहाँ पे फिर बात कर रहे, देखो ना छठ घाट का बात कर रहे हैं, लेकिन तुम कहाँ कहाँ का बात कर रहे हो। देखो ना साथियों, फ्रेंड्स होता क्या है कि बच्चों की बातें जो होती है कि बच्चों की तरह होती है, और कभी कभी हम भी बच्चे बन जाते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, जो छठ व्रती है जो पूजा कर चुके हैं। और यहाँ पे जो मुझे ठेकुआ मिला था मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, क्योंकि वो पूरा खस्ता था, और खस्ता जो ठेकुआ होता है बहुत ही मजा आता है, और मैं बहुत खाता हूँ। तो थोड़ा सा मिला था लेकिन मजा आ गया था, मूड फ्रेश हो गया था। तो हम लोगों ने पहले टीका वगैरह भी लगा लिया था माथे पे, जो छठ व्रती है। फ्रेश नहीं होया, हाँ लड्डू का मन फ्रेश नहीं हुआ, क्योंकि लड्डू को बलून चाहिए था, खिलौने चाहिए था, जबकि 4-5 बोरा, जी सही सुना आपने, 4 से 5 बोरा खिलौना लड्डू ने तोड़कर मोड़कर घर में रखा है फेंक के। लेकिन बच्चों को खिलौना चाहिए चाहिए, इतना खिलौना हमें बचपन में भी नहीं मिला था जितना खिलौना लड्डू को मिला है। लेकिन लड्डू को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसी वजह से लड्डू का छठ घाट पे मन नहीं लग रहा था। और अभी हमारा वीडियो रुक गया, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए देखिए, रुका फिर से, देखिए यहाँ पे मंच बना हुआ है, और यहाँ पे जो संघ के लोग, मतलब संघ जो मतलब ये सारा व्यवस्था करते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे प्रसाद बांट रहे थे, और वहाँ मंच पे जो है कि कुछ लोग जो जिनका जो इच्छा था वो जाके चंदे भी जमा कर रहे थे। और ये है पंडाल छठी मैया का, जिसे हम लोग सूर्य भगवान जी को पूजा करते हैं और छठी मैया बोलते हैं, उनका जो प्रतिमा है, मूर्ति है, यहाँ पे बना हुआ है। अभी आगे जाएंगे, आगे वाली वीडियो में हम लोग दिखाएंगे, तब तक घाट पे घूम रहे हैं। ये सब बलून देखिए लेने के लिए लड्डू जिद कर रहे थे, बट मैंने लिया नहीं लड्डू, ऑलरेडी बहुत सारा बलून खिलौना बर्बाद कर चुके हैं। इस घाट पे भीड़ बहुत था दोस्तों, भीड़ ही भीड़ था, भीड़ में कोई कमी नहीं था, और अच्छा था। बस थोड़ी सी कमी जो थी पापा, वो सफाई की थी। एक्चुअली ये तो पूरा कबाड़ खाना बन चुका था ये एरिया, ये जगह, बट छठ का छठ को लेके साफ सफाई होता है ना थोड़ा, तो बहुत बोलिए। हम रुके बताते कि आप अपना मन फ्रेश कर लिए थे ना, फिर आपका मन फ्रेश हो गया तो हमको गुस्सा ने लगा और आपको गाली देने का मन करने लगा, पर हम ये सब गंदा बात नहीं बोलते हैं। यहाँ पे ना फ्रेंड्स जितना सुनेंगे ना, सब कोई ना बोलेंगे गंदा बच्चा आपका, बोलता है गाली देने का मन करता है, छी कितना गंदा बच्चा। पर हम ये सब नहीं देते, गंदा बच्चा है तुम बोल रहा ना, ये वर्ड यूज कर दिया, अब तो कटिंग भी नहीं होगा, सब कोई सुन रहा है, तुम तो नाक कटा देगा सबको, पापा को गंदा बच्चा हो गया लड्डू। यहाँ पे हम लोग को बताना है छठ घाट के बारे में, तो तुम कहाँ कहाँ का बात कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे जो लड्डू है, लड्डू का ये बहुत डिस्टर्ब करता है, ये बच्चा किधर किधर का बात करने लगेगा। तो यहाँ पे लड्डू को चाट खाना था, तो मैंने ले आया कि चलो भाई चाट खा लो। अब ये हम लोग के पड़ोसी निकल गए, ये लोग हमारे बगल में ही रहते हैं, इनका ही ठेला लगा है चाट का, तो बोला चलो भाई सही है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू के चाट का ऑर्डर दे दिया, 10 रुपए का चाट, लेकिन लड्डू को थोड़ा तीखा लगा और गर्म लगा, तो लड्डू ने ज्यादा नहीं खाया। देखिए कैसे टीका वगैरह लगा के एकदम लड्डू रेडी, कैसे मस्ती में आराम से चाट खा रहा है ना, लड्डू को चाट बहुत पसंद है। पापा प्रसाद खाइए, हाँ प्रसाद हम खा रहे हैं, थैंक यू। फिर दूसरी जगह जाना पड़ा और पापड़ी चाट का ऑर्डर देना पड़ा। पापड़ी चाट खाने के बाद थोड़ा सा बोले कि चलो भाई इस साइड भी दिखा देते हैं, इस तरह का व्यवस्था किया गया था बढ़िया। पापा आपका माँ हमको फल फ्रूट खाने से आदमी ताकतवर बनता है। हाँ फल फ्रूट खाना ही चाहिए ना, तो शरीर में ताकत बनता है, बीमारी नहीं होता है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो लड्डू डिस्टर्ब करते रहे इधर से उधर, हाँ बेटा आ रहे आ रहे। देखिए लड्डू फिर से यहाँ पे अपना जूता चप्पल खोल रहा है, क्योंकि अब लड्डू को यहाँ पे भाई सबसे बड़ा अच्छा रहा कि ये जो जंपिंग वाला सेट था ये फ्री था। मैंने पूछा कितना चार्ज है भाई, तो बनने वाला कि फ्री है, मतलब बहुत बढ़िया भाई, चलो छठ पर्व में कम से कम ये भी काम हो रहा है ना कि बच्चों को फ्री में ऐसा जंपिंग करवाया जा रहा है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुशी हुआ। इस तरह की जो है कि छठ जैसे महापर्व में बच्चों के ऐसी सुविधा दी गई है, एकदम दिल से थैंक यू। तो ऐसा जो जंप करवा जो भी है फ्री, मैं उस समझता रहा, मैं आपका कहता रहता हूँ, आप
समझदार तो आदमी है ही है। हाँ वाह, देखिए यहाँ पे कैसे डीजे साउंड बॉक्स वगैरह लगा हुआ है और यहीं पे एक साउंड सिस्टम लगा हुआ है। बहुत अंदर से लेके बाहर तक दो तीन जगह साउंड लगा हुआ था, तो उसके लिए अलग अलग सारा सिस्टम तैयार किया था। अभी हम लोग ये रिटर्निंग जो जा रहे हैं ना, रिटर्निंग का वीडियो है, जो छठ व्रती है, जो छठ पूजा वूजा कर लिए सब कोई, वो अब अपने घर की ओर, अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं। लेकिन आगे कुछ ऐसा आने वाला है जो कि देखना बहुत ही बेहद जरूरी है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है। जी हाँ, यहाँ पे पुलिसकर्मी दिख रहा है और कारण है पुलिसकर्मी दिखने का, ये है रेलवे लाइन और ये व्यस्त रेलवे लाइन है। हर आधे घंटे पे, हर 15-20 मिनट पे ट्रेन पार होते रहती है, सोच लीजिए। तो पुलिस का यहाँ पे पहरा था और आगे भी जहां जहां पे मतलब आदमी का आना जाना था रेलवे लाइन क्रॉस करके, वहां पे दो दो तीन तीन चार चार पुलिस वाले थे। बहुत ही सेंसिटिव जगह था क्योंकि हर 15 मिनट में इधर से ट्रेन आता है जाता है, 10-15 मिनट में कंटिन्यू व्यस्त रेल मार्ग है ये वाला। रास्ता तो है नहीं, लेकिन छठ पर्व को देखते हुए रास्ता बना दिया गया। हालांकि लोग आना जाना अक्सर करते हैं, रेलवे के उस साइड भी घर है और इस साइड भी घर है, तो और लोग आना जाना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं शनि मंदिर वाला इलाका, आप देखे होंगे अगर आप नामकुम चुटिया इब्राशी से होंगे तो आप जानते ही होंगे इस इलाका को। यहाँ पे PCR वैन लगी हुई है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हर जगह पे आपको PCR वैन दिखेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और शनि मंदिर में भी काफी ज्यादा भीड़ था, ये देखिए यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन आपको मुस्तैद दिखा हर जगह। अभी देखिए यहाँ पे सब भाई साहब लोग अपना जो है कि टोटो ई रिक्शा टेम्पो भी लगा के बैठे हुए कि भाई दो पैसे कमाई हो जाए। शनि मंदिर में आज शनिवार तो नहीं था लेकिन फिर भी भीड़ था। मैडम यहाँ पे पूजा कर रही, हम लोग छोड़ के महिला एंजॉय कर रहे थे, मैडम को पूजा करना था तो हम लोगों ने छोड़ दिया कि भाई जाओ पूजा करो, हम लोगों को तो घूमना है एंजॉय करना है। तो अभी तो छठ घाट पे पूजा हुआ, फिर शनि मंदिर में पूजा हो रहा, फिर अभी देखिए अभी कितना लेट लगेगा तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हालांकि रोड सिर्फ जो भरा पड़ा था छठ व्रतियों से भरा था और जो छठ देखने आए थे, बाकी ट्रेवल पर्सन कोई भी नहीं थे, जिस वजह से गाड़ियां भी खाली, अपना ये थार वाले भाई साहब कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, तो टेम्पो वगैरह भी ये सब खाली खाली देख रहे होंगे आप। ये देखिए सब खाली खाली है। अब ये सब लोकेशन पे टेम्पो वाले लोग आए कि दो चार पैसेंजर मिल जाए तो कमाई हो जाए, क्योंकि आज का दिन तो पूरा रोड सन्नाटा रहेगा। जो मॉर्निंग का दिन है दूसरा अर्घ, सन्नाटा हो जाता है, रोड कमाई भी कम होता है, तो कोशिश में सब लगे रहते हैं कि भाई दो चार पैसे कमा ले। डेली कमाने वालों के, डेली कमाने खाने वालों के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है ही। और अभी जो इंडिया के हालात क्या है वो आप जान ही रहे होंगे, भले ही इंडिया ग्रो कर रहा, तरक्की कर रहा, लेकिन गरीबों की हालत जो है कि बद से बदतर होते जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, महंगाई काफी बढ़ गई है। देखिए यहाँ पे हम लोग मंदिर आ गए हैं, अब इस मंदिर पे मैडम जो है कि पूजा करने आ गई हैं। ये देखिए, तो पिछली उस टॉपिक पे हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा लेकिन गरीब बहुत गरीब होते जा रहा है, स्थिति जो है